हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे दैट इज ट्यूसडे 25th ऑफ जुलाई 2023 और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं और आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं आपको ब्रॉडली बता दूं तो बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स आए हुए हैं टॉपिक्स फ्रॉम हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस इकोनॉमी स एंड पर्टिकुलरली काफी सारे क्वेश्चन आए हैं आज और इसके साथ साथ हमारे पास आज इंडो पैसिफिक और सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट जी ट्वेंटी ये सब जगहों से आर्टिकल्स आए हुए हैं आज का न्यूज पेपर एनालिसिस बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है और अगर आप यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं यू पी एस सी दो हजार तेईस या 2024 के लिए तो आप हमसे मेंटोरशिप के लिए कनेक्ट कर सकते हैं मेंटोरशिप के लिए कनेक्ट करने के लिए आपको परफेक्शन आईएएस की हेल्पलाइन नंबर 9031036712 इस पे कॉल करना होगा और आपकी पूरी तरीके से अच्छे से काउंसलिंग और मेंटोरशिप की जाएगी और आपको पूरा स्ट्रेटजी बता दिया जाएगा एक साल का स्ट्रेटजी जिसमें टाइम मैनेजमेंट ठीक है और सोर्स चेक वीकली टारगेट्स ठीक है तो ये सब चीजें प्लस वीकली टेस्ट

कल भी इसको डिस्कस किया था और इससे पहले भी हम इसको दो चार बार डिस्कस कर चुके हैं मणिपुर वायलेंस को एंड आई टोल्ड यू वंस द वायलेंस इज ओवर अ वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द वायलेंस रीजंस कॉन्सिक्वेंसेस द गवर्नमेंट मेजर्स एंड द अमाउंट ऑफ एटेटीज एंड द कैजुअलिटीज प्लस द इकोनॉमिक लॉस एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल्ड फुल मणिपुर एनालिसिस ठीक है तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है लेट्स मूव टू अ बिट मोर इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्मीच इन इजराइल ठीक है तो देर वॉज अ बिल विच वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल और जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले दिनों बट इसराइल का पार्लियामेंट जिसको नेस्ट बोलते हैं It has voted and now the thing is कि बिल पास हुआ है एंड पार्लियमेंट गिवन बिल हावर विल इंड इज दिल सो मच इन न्यूज बिकॉज और हम इस बिल को डिसकस ही क्यों कर रहे हैं अगर आप देखो, तो जो इस बिल का क्रिटिसज हो रहा है इट सैट की इसराइल का लिबरल डेमोक्रेसी जो है दिस विल बी रिमूव एंड चेक एंड बैलेंसेजर दूटिव क्यों क्योंकि ये बिल कब करना चाहता है जुडिशियल ओवर रीच को तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर थिंग जो हमारे यहां होता है जब जुडिशियल और इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की बात आती है ठीक है या जब जुडिशियल ओवर की बात आती है या जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात आती है ठीक है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में आपको याद होगा और अगर आप अच्छे सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको पता होगा दैट देर इज कलीजियम सिस्टम लास्ट वीक भी इस पे एडिटोरियल आया था और हमने डिटेल में डिस्कस किया था नाउ द थिंग इज एनीर इन डेमोक्रेसी जहां पे भी वेयर देर इज इट्स नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और इट्स नॉट रेस्पॉन्सिबल टू पीपल है ना, द जुडिशियरी चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करती है तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज दी ये एक ट्रायंगल बनता है ठीक है एग्जीक्यूटिव लेजिसलेचर और जुडिशियरी का फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस तो दैट इज वाई इसराइल में भी इस बिल पे स्ट्राइक हुआ जजे इट सीम्स दैट समथिंग और सम एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज अनिजनेबल टू दिट्यूशन एंड इट्स अनबल एंड इट्स वायलेटिंग दी प्रिंसिपल एंड दब्लिक मैंडेट तो उस टाइम पे दैट एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिलेचर इज अनरीजनेबल और वो वाला पावर जो है ये बिल सुप्रीम कोर्ट से वहां पर तो, we'll हमने डिटेल्ड एनालिसिस कल भी किया था दैट ये इशू क्या है एक्चुअल में आज हम एस आई देखते हैं दैट वर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है सुप्रीम कोर्ट है अभी एक दिन के लिए ये स्टे हुआ था ये सर्वे ठीक है तो सर्वे एक्चुअल में ऑन द डेट ऑफ ट्वेंटी थर्ड टीम वहां पहुंची थी ट्वेंटी फोर को सस्पेंशन हुआ अभी आज

ऑफ कल्चरल हेरिटेज ठीक है इसको याद रखना है दैट इट रिसर्च भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है ठीक है तो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट जस्ट टू मेन्टेन है ना क्या मेंटेन करेगा आर्किलॉजिकल साइट मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और सेम स्टेटमेंट्स जब एम सी क्यूज में आते हैं या यूपीएससी पूछता है तो तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रोटेक्शन और रिसर्च के वर्ड में है ना तब हम कन्फ्यूज uh, हो जाते हैं आर्क्योलॉजिकल साइट और आर्क्योलॉजिकल मोन्यूमेंट में तो वो चीज नहीं करनी है तो दिस ए एस आई वॉज एस्टेब्लिश इन एटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी वन और यहां पे जो पहला इसका um, चीफ था दैट वाज एलेक्सेंडर कनिंगम ठीक है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एम्पावर्ड बाय टू एक्ट्स वन इज एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 फिफ्टी एट एंड दूसरा इट ऑल्सो रेगुलेट दी एंटीक्टीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट नाइनटीन ठीक है तो ये दो चीजों को देखना है हमें कि ये दो एक्ट्स प्लस दिस एक्ट्स गेनाइजेशन वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए ये वाले पॉइंट्स तो इनको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है वापस आते हैं हम हमारे अपने टॉपिक पे और टॉपिक क्या था ज्ञान वापी मोस्क क्यों ज्ञानवापी मॉस्क में आ, डिबेट चल रहा है बिकॉज इट्स बीइंग बिलीव्ड दैट इन 1669 ठीक है जब औरंगजेब चल रहा था औरंगजेब से पहले कौन था और उसके बाद कौन आया ये मेंशन कीजिए आप कमेंट सेक्शन में दैट्स योर टास्क आप ये इसको अभी मेंशन कर लीजिए कमेंट सेक्शन में कि औरंगजेब से पहले कौन सा बादशाह था और उसके बाद कौन आया सो so, औरंगजेब जो है ही ऑर्डर्ड डिमोलिशन

Which was written in 1937, and it uh, talks about history from the earliest times till now. And this mosque, the name of the mosque, Gyanwapi, is for uh, it uh, resembles the well of knowledge. Now, there is a dispute, is dispute, isliye hai because some woman lately came to Supreme Court and they asked this controversy actually erupted in 1991.

और अलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था 1991 के बाद बहुत लेट के बाद दैट अलाहाबाद हाई कोर्ट गिव दिस जजमेंट टू डू व्हाट वीडियोग्राफी एंड सर्वे एंड चेक वेदर देयर इज द एक्चुअल वेदर देयर आर द एविडेंसेस इनसाइड दिस मॉस्क और नॉट बट द काउंटर पार्ट्स दैट इज द मुस्लिम काउंटर पार्ट दे एक्चुअली opposed under the places of worship act 1991 aur uske baad now the thing is ki वन और उसके बाद से related दो तीन चीजें हैं जो contentious points है ठीक है फर्स्ट इज द वॉल ऑफ temple ठीक है विच इज currently फेसिंग द किबला ठीक है किबला इज द डायरेक्शन इन विच दी प्रेयर इज ऑफर्ड इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट तो जब हम मुगल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हमें आएगा ये टर्म किबला व्हाट इज किबला ठीक है तो दिस फेस इज द वेस्ट और दिस फेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मक्का ठीक है सेकंड इज द नंदी बुल व्हिच इज लोकेटेड इन Vishwanath temple, Kashi Vishwanath temple, but it is facing towards the sanctum of the mosque. However, it should have been in the normal circumstances uh, facing towards the sanctum of the temple, that is Vishwara temple, but it's currently facing towards the mosque. So these are the two, three points, and there are sculptures believed to be on the Walls of mosque. कि ये जो यहाँ पे स्कल्पर्स बने हुए हैं ये जो वहां पे कुछ निशानियां बनी हुई है कुछ मूर्तियां हैं उनकी वर्शिप करने के लिए देर वेर सम वुमेन हु पेटिशंट फॉर दैट कि यहाँ पे जो है हमें वर्शिप करने दिया जाए अब बात आती है काशी विश्वनाथ टेम्पल की है ना ठीक है तो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड दिस टेम्पल इज डिस्क्राइब्ड इन काशी खंडा अ चैप्टर ऑफ पुराण ठीक है तो स्कंड पुराण में शिव शिवजी के मंदिर के बारे में काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में लिखा गया है किस चैप्टर में काशी चैप्टर में काशी खंड में ठीक है तो दिस काशी विश्वनाथ टेम्पल दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हरिचंद्रवेंथ सेंचुरी हाउएवर प्रेजेंटली जो अभी का है काशी विश्वनाथ टेम्पल दिस वॉज बिल्ट इन एटीन सेंचुरी बाय रानी अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर ठीक है तो दिस टेम्पल इज लोकेटेड इमिडिएटली टू द साउथ ऑफ द मॉस्क ठीक है तो नॉर्थ uh, साइड में ज्ञानवापी मस्जिद है और साउथ uh, साइड में शिव जी का मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर ठीक है द टेम्पल स्टैंड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ होली गंगा ठीक है एंड दिस टेम्पल इज वन ऑफ द ट्वेल्व ज्योतिर्लिंगास एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द होलीएस्ट ऑफ ऑल द शिव टेंपल्स ठीक है सो द मेन डेटी जो यहां पे है जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटी है उनका नाम क्या है विश्वनाथ और विश्वेश्वरा विच मींस रूलर ऑफ द यूनिवर्स देखो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना जरूरी है ठीक है हो सकता है हमारे हमें ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ना पूछा जाए बट काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में हमें पूछा जाएगा वेदर इट्स ऑन द वेस्टर्न बैंक और ईस्टर्न बैंक किसने बनाया था ये इंपॉर्टेंट है प्लस बारह ज्योतिर्लिंगा और कहां कहां पे है वो पूछा जा सकता है प्लस हु टू हुम शिवजी का मंदिर है ये बट टू हुम एक्चुअली हु इज द चीफ डिटी ऑफ दिस टेम्पल ये पूछा जा सकता है आपके देन इसके बाद क्या है द टू डोम्स ऑफ दिस टेम्पल वेयर कवर्ड बाई गोल्ड ठीक है ये जो गोल्ड दिया था यहां पे ये किसने दिया था पंजाब केसरी जिनको बोलते हैं किनको बोलते हैं पंजाब केसरी महाराजा जल्दी बोलो महाराजा रंजीत सिंह एंड उन्होंने ये कब दिया था गोल्ड उन्होंने दिया था 1839 डन तो ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रिलियम्स परस्पेक्टिव से ठीक है बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा दैट विल बी ऑल टुगेदर आ डिफरेंट स्टोरी उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या डिसीजन आएगा कब आएगा कैसे आएगा क्या सर्वे से मिलता है हमें नहीं मिलता है वो सारी चीजें बात की है बट अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कमिंग टू डेंगी केसेस ठीक है तो दिल्ली में बढ़ रहा है बहुत तेजी से डेंगी जितने भी हमारे दोस्त दिल्ली में रह रहे हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स दिल्ली में रह रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है डेंगी होता क्या है और कैसे फैलता है क्यों ये हमारी बीमारी इतनी ज्यादा सिवियर हो जाती है ये एक्चुअल में कौन फैलाता है इस सब के बारे में अभी थोड़ा सा देखेंगे इट्स डेंगी प्रनाउंस्ड इन इंग्लिश एज डेंगी ठीक है तो दिस वायरस तो इट्स अरल डिजीज ठीक है और दिस वायरस कम्स फ्रॉम द जीनस फ्लेवी वायरस ठीक है एंड दिस जो बीमारी है डेंगू दिस वायरस दिस इज स्पेशली स्प्रेड बाय जो इसका कैरियर है जो मॉस्किटो इसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाता है इट्स एक्चुअली अ फीमेल मॉस्किटो ठीक है एंड इट्स जीनस इज कॉल्ड एडिस इजिप्टी ठीक है and this mosquito also causes चिकन गुनिया येलो फीवर एंड जी तो याद रखना है ठीक है एक ही मॉस्किटो है जो चारों चीजें फैलाता है डन नाउ द थिंग इज वट आर दिम्टम्स ऑफ दिस बीमारी अगर आपको मच्छर ने काट लिया तो उसके बाद क्या होगा आपको आपको फीवर होगा हेड एक होगा पेन बिहाइंड आईज बोन एंड बॉडी पेन ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें सिम्टम्स है जो आपको याद रखने हैं देन हाउ इज इट डायग्नोज एक्चुअली आपको एक टेस्ट कराना पड़ता है ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आपको इंफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है एंड इट्स एस्टिमेटेड दैट अकॉर्डिंग टू दब्ल्यू एच एस्टिमेट दैट नाइन करोड़ डेंग्यू वायरस इंफेक्शन केसेस आर देयर पर ईयर ठीक है ऑफ विच नाइन पॉइंट सिक्स करोड़ शो दी सिम्टम्स ठीक है ओनली नाइन पॉइंट सिक्स करोड़ Have symptoms. Okay. So that's it. And there is a vaccine called as dengvaxia, theke, which is approved by the US Food and Drug Administration, which was approved in 2019 for this virus. So it has what? It has a, a vaccine for its cure also. द प्रिवेंशन ऑफ दिस डेंगू ठीक है तो आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट न्यूज राजस्थान बिकेम द फर्स्ट आ, सच लेजिस्लेशन डो टू तो ब्रिंग सच लेजिस्लेशन फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स ठीक है अब गिग इकोनॉमी क्या होती है कि वर्कर्स क्या है इस बिल में और क्या मेजर्स लिए गए हैं तो ये सब चीजें आगे जाके बड़ा एडिटोरियल है ठीक है एक्सप्लेन सेक्शन में एडिटोरियल है द तो हिंदू का जो एक्सप्लेन सेक्शन आता है उसमें एडिटोरियल है तो उसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे बिल के प्रोविजन क्या क्या है और क्या क्या होगा क्या ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे कौन सा वेलफेयर बोर्ड बनेगा और वो वेलफेयर बोर्ड क्या मेजर्स लेगा क्या उसके क्या क्राइटेरियाज होंगे वो सब चीजें हम आगे देखेंगे एंड दिस इज फर्स्ट जिस्लेशन इन दर कंट्री फॉर द वेलफेयर मेजोर ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स ठीक है तो इकोनॉमी क्या होती है सारी चीजें हम वही देखेंगे इस न्यूज को वही पे देख, ले देख लेते हैं इसरो टू तो लॉन्च पी एस एलवी सी फिफ्टी सिक्स कैरियर सिंगापोर्स न्यू इमेजिंग सैटेलाइट ठीक है तो इसरो टू तो लॉन्च पी एस एलवी सी फिफ्टी सिक्स कैरियन सिंगापोर्स न्यू इमेजिंग सैटेलाइट तो सबसे पहले ये है सी फिफ्टी सिक्स क्या है यहां पे लिखा गया है दैट द लॉन्च व्हीकल इज कॉन्फिगर्ड इन इट्स कोर अलोन मॉडल बस ये एक टर्म है यहाँ पे जो याद रखनी है कोर अलोन मॉडल में देर आर नो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स अदरवाइज देर आर सिक्स स्ट्रैप ऑन बूस्ट बूस्टर्स जो यूज होते हैं ठीक है अब इसमें जो है बिकॉज वेट इज लेस तीन सौ साठ के जी ही लेके जा रहे हैं और प्लस नियर इक्विटोरियल ऑर्बिट तो लेस स्पेस पे लेके जा रहे हैं इसलिए ऐसा है इस टर्म को याद रखना है Done? तो नेक्स्ट इज इंडिया श्रीलंका रिलेशन इंडिया श्रीलंका रिलेशन अभी जो रिसेंटली अगर आपने देखा होगा दैट दू कंट्रीज दैट इज

कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका वो भी हमने पढ़ लिया था और अभी हम दोबारा से इंडिया श्रीलंका रिलेशन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे और बहुत ही अच्छा सा एक प्यारा सा हम नोट बनाएंगे इसके ऊपर ताकि हमें श्रीलंका रिलेशन बिकॉज अभी तक कम से कम पांच छह बार ये आर्टिकल्स में आ चुका है इंडिया श्रीलंका पिछले एक महीने में ठीक है तो विजिट से पहले भी और विजिट के बाद भी ये कॉन्ट्री न्यूज में रहा है नाउ

एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे श्रीलंका में प्लस फेरी सर्विसेज के बारे में भी बात हुई थी दैट विल बी फेरी सर्विसेज जो इंडिया चलाएगा कहाँ पे श्रीलंका में ठीक है प्लस फ्लाइट नेटवर्क बढ़ा दिया जाएगा नाउ द थिंग इज सबसे पहली चीज है श्रीलंकन इकोनॉमी का रेस्क्यू वो कैसे होगा डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से जो उनने लोन ले रखा है और वो वापस नहीं दे पा रहे हैं वो पेमेंट वापस नहीं कर पा रहे हैं दे आर फेसिंग दी बी ओपी क्राइसिस तो इसको समझना ऐसे है कि जब भी एक कंपनी जब भी एक इंसान डेट लेता है है ना और वो डेट वापस नहीं पे कर पाता तो ये बंदा जो है बैंक को पैसा वापस नहीं दे पा रहा है ठीक है अब अगर इसने लोन ले रखा है और बैंक को पैसा वापस नहीं दे पा रहा है और बैंक इसके पास जाती है कि भाई तू बताओ यार आप पैसा क्यों नहीं वापस दे पा रहे हो तो ये जो बंदा है जो ये डेटर है या जिसने ये कर्जा ले रखा है जो बिजनेस ऑन्टरप्रन है बिजनेस यूनिट होल्ड करने वाला बंदा है या फर्म का मैनेजर है या फर्म चलाने वाला इंसान है या कंपनी का डायरेक्टर है तो ये बोलता है बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन इकोनॉमी और बिकॉज ऑफ द लॉसेस जो पिछले साल हुए मुझे उसकी वजह से या मेरा जो पैसा बाहर था वो मेरे डेटर्स या मेरे क्रेडिटर्स खा गए ठीक है तो मैंने जो सेल किया था वहां से पैसा नहीं आया वापस या जो मैंने उधार दे रखा था वो भी पैसा वापस नहीं आया इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है तो बैंक बोलती है कि हम क्या करते हैं जो आपका लोन पड़ा हुआ है पुराना उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं वट डज दैट मीन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन मीन्स की आपका या तो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करके बढ़ा देंगे और आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा देंगे या उसको कन्वर्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन ठीक है आप मॉर्गेज इंक्रीज कर लो अपना या फिर ये एक काम ऐसा भी करते हैं कि जितना भी इसने इंटरेस्ट लिया होगा अभी तक उसको तो कन्वर्ट कर देंगे एज द फॉर्म ऑफ दिस रिस्ट्रक्चरिंग और बैंक कैन आस्क फॉर इक्विटी ऑल्सो ठीक है कि आप हमें इक्विटी दे दो इस कंपनी में हमारे डिसीजन ले लो और हम आपका लोन जो है उसको वैसे रिस्ट्रक्चर कर लेंगे और दे दी इंटरेस्ट रेट ठीक है और ही कैन आस्क फॉर मोर मोराटोरियम ठीक है? तो दीज आर दी थिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं कब रीस्ट्रक्चरिंग में ठीक है इसको समझना ऐसे ही है और दिस इज रीस्ट्रक्चरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग जो है अभी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देख रहे हो श्रीलंका का तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यहां पे भी वही है ठीक है कि श्रीलंका जो पैसा अभी नहीं दे पा रहा है वापस उस पैसे को दोबारा से ठीक करना या उस लोन को दोबारा से चेंज करना प्लस ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स एंड द लंका पे ठीक है जैसे यहाँ पे यूपीआई है वैसे श्रीलंका में लंका पे है ठीक है तो वो चीज को एक्सचेंज करना उसको रिकॉग्निशन देना फॉर द ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन टूरिज्म श्रीलंका एंड इट ऑल्सो आस्ट फॉर द डिशन ऑफ पावर टू नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविसेज फॉर रिजोलविंग द लॉन्ग पेंडिंग इशूज प्लस फिशरमैन के इशूज है यहाँ पे उनको भी रिजोल्व करने के लिए बात हुई है अब बात यह है इंडिया श्रीलंका रिलेशन में दिस वर्टींथ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका एंड ऑल ठीक है तो इंडिया श्रीलंका रिलेशन देखते हैं क्या है इंडिया श्रीलंका रिलेशन में अभी क्या हुआ थर्टींथ अमेंडमेंट किस लिए है दिस इज The 13th Amendment is for devolution of power to the North and Eastern provinces of what? Sri Lanka. Okay. Now, starting with this 13th Amendment, this was uh, enacted after the Indo Lanka Accord of 1987. Is accord is isko, एनेक्ट किया गया था किस को थर्टींथ एमेंडमेंट को एंड दिस रिमेन्स द ओनली लेजिस्लेटिव गारंटी ऑफ पावर रिवल्यूशन टू प्रोविंस ठीक है तो इंडो लंका अकॉर्ड जो है यह किसके बीच में साइन हुआ था इट वॉज साइन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड प्रेसिडेंट जे आर जयवर्धने ठीक है इन दोनों के बीच में अकॉर्ड साइन हुआ था क्यों साइन हुआ था टू एंड दी और टू रिजोल्व दी कॉन्फ्लिक्ट दैट हैड अ फुल फ्लेज सिविल वॉर बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड एल टी टी ई ठीक है तो जो सिविल वॉर चल रहा था एल टी टी ई और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में उस चीज को खत्म करने के लिए अकॉर्ड साइन हुआ था नाउ दिस थर्टींथ अमेंडमेंट विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स इसने क्या किया कि पहले प्रोविंस में प्रोवेंशियल काउंसिल्स बनेंगे फिर उनके पास पावर चला जाएगा एंड दिस अशोर्ड द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट ठीक है कि यूनियन गवर्नमेंट और आ, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग होगा वो कैसे होगा और इस थर्टींथ अमेंडमेंट के अनुसार एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर हाउसिंग लैंड एंड पुलिस ये सारे जो पावर्स है ये श्रीलंका के पास ये आ, लोकल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पास चले जाएंगे

The 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 civil war, however, ended 14 years ago, but it was still on the, uh, like. The thing is सिविल्व नहीं हुई ठेके? तो यहाँ तक चल रहा था 13th, uh, का, uh, जितना भी बैकग्राउंड है कि 13th अमेंडमेंट क्या करता है और कैसे करता है ठीक है तो इंडिया श्रीलंका इंडियन ओशियन में हमारा मेरी टाइम नेबर है वी आर सेपरेटेड by पार्क स्ट्रेट ये आपको पता होगा अगर आप थोड़े भी सीरियस कैंडिडेट हैं एंड नाउ वी हैव अ अटेजिक एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद द द इंडिया बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हिस्टोरिकल टाइज गोज बैक टू बुद्धिज्म ठीक है uh, 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 जिसमें आपको याद होगा द ग्रेट अशोका हिज सन एंड हिज डॉटर वेंट टू श्रीलंका एज द रिलीजियस फीचर्स और दम्मा महामताज ठीक है वंस स्प्रेडिंग पॉलिसी ऑफ धम्मा, इकोनॉमिक टाइज अगर आप इंडिया श्रीलंका के देखो तो श्रीलंका इंडिया इज श्रीलंका थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ठीक है तो श्रीलंका सबसे ज्यादा जो uh, एक्सपोर्ट करता है दैट गोज टू यूएस देन यूके एंड देन श्रीलंका देन टू इंडिया ठीक है तो मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ श्रीलंका जो एक्सपोर्ट आता है यहां से ठीक है एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ इट एंजॉय वॉट टैक्स बेनिफिट और दस्टम बेनिफिट अंडर दी ए बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ठीक है एंड इंडिया इज़ आल्सो अ मेजर इन्वेस्टर इन श्रीलंका इन विच अराउंड 1.7 बिलियन डॉलर्स वेर इन्वेस्टेड बाय इंडिया इन श्रीलंका फ्रॉम 2005 टिल 2019 ठीक देन वी हैव द मेजर एक्सरसाइजेस और द डिफेंस एक्सरसाइजेस जिसमें सबसे पहले आती है मित्रा शक्ति

And China rapidly growing its economic footprint in uh, Sri Lanka and China's FDI in Sri Lanka. Okay. And China is currently the largest investor in Sri Lanka. And it has around 23% of 6%, 23.6% share in the total FDI of Sri Lanka. Okay. तो यही चीजें थोड़ी बहुत याद रखनी है नाउ द पॉइंट हेयर इज कि हम इस चीज में क्या कर सकते हैं ठीक है तो इस चीज में सिंपल ये है कि वॉट वी कैन डू इज वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द डिप्लोमेटिक टेबल्स ठीक है वेयर सच अग्रीमेंट एंड सच विजन डॉक्यूमेंट्स विच वर साइंड बिटवीन दी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड

कि ये एक डिस्कोर्स uh, वहां पे होगा दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इट फॉर अस टू बी विद इंडिया एंड नॉट टू बी विद चाइना बिकॉज द बीन फोकसिंग ऑन इज समाउ इन वन और अदर वे डिस्ट्रॉइंग कंट्रीज वेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ठीक है एंड देन मूविंग फॉरवर्ड ठीक है The uh, editorial is on ASEAN and the author here, uh, Dr. Rajiv Bhatia, who is a distinguished fellow uh, in the Gateway House and he has been a former ambassador and he is currently an author. He is a commentator on the developments in Indo Pacific, a well known, well read, and well visioned author. And in Kajoye jo ye, uh, abhi editorial aaya hai, it's about ASEAN.

एंड अदर रिलेटेड मीटिंग्स विच वेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया आर द बेस्ट बैरोमीटर्स टू चेक ऑन द रीजन्स लेटेस्ट डायनेमिक्स कि ये मीटिंग्स जितनी ज़्यादा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने इंडो पैसेफिक को बना के रखा है या जितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास इंडो पैसेफिक है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मीटिंग्स भी है बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ इंडो पैसेफिक नाउ द थिंग इज

कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम जाएंगे पे हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज इज जेनेसिस बना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है क्या क्या चीजें हैं क्या चैलेंजेस है क्या चैलेंजेस नहीं है कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो एन इन डेप्थ स्टडी ही डज एंड ही दैट द फर्स्ट थिंग वॉज टू डिस्कस इज कि जो अभी चैलेंजेस है यहाँ पे चैलेंज वॉज पोस्ट कोविड रिकवरी इकोनॉमिक स्लो डाउन यूक्रेन वॉर एंड क्लाइमेट चेंज एंड कोल्ड वॉर टाइप कंडीशन बिटवीन यू एस एंड चाइना नाउ इंडोनेशिया इज कर चेयर ऑफ एंड द ग्रोथ नाउ द थिंग इज ही टॉक्स अबाउट दट हाउ एंड कैसे हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं दैट हाउ असियान इज बिल्डिंग ऑन एंड वट आर द इंटर रिलेटेड डायमेंशन जिसपे ये विजन होना चाहिए

islands of philippines they are being claimed by china and philippines has come out with uh, assertiveness on the south china sea and philippines is not considering the china's claims, claims these uh, claims beyond the nine dash line so philippines is more assertive while as the laos cambodia and myanmar they are more of a virtual dependencies on this on china however south china sea mein, the central players Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand are all favourably disposed towards Beijing. So, if opposition may have opposition to Beijing, this explains that none of them raises voice. Uh, even they are uh, like they are not raising their voice against the China. And this China's dealing tactics in negotiating enforceable code of conduct concerns the South China Sea. So now the thing is, uh, what ASEAN should do? ASEAN should

that is the People's Republic of China, has st stated its ambitions and coercive policy changes for the interest and security and values. So uh, uh, in the NATO summit, uh, this was highlighted that uh, China is uh, actually a threat. This Chinese aggression and the coercion in Indo-Pacific and beyond uh,

The most sensitive issue that is of Myanmar has to be solved on priority. Done. So the disunity which is inside the uh, ASEAN is also a bit uh, जहाँ पे author खुद भी highlight kar rahe, हैं that this is something which may lose out the credibility of ASEAN centrality. ठीक है तो जिधर-जिधर मैंने highlight किया हुआ है जितने इतने points highlight किये हुए इन points को याद रखो these are the issues. Okay. and these are the challenges and the vision of uh, this uh, ASEAN that is also highlighted here first is this epicentrum growth second is ASEAN outlook third is NATO fourth is uh, uh, conclusion and fifth is this okay that is the reaffirmation of the centrality of ASEAN now how इंडिया इज अप्रोचिंग आसियान इंडिया तो अभी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू यू एंड इन दास्ट वीक इन दास्ट विजिटेड एंड तो इस टाइम पे चाहिए था दफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर शुड है ईस्ट वाइमिटर मोदी वॉज ऑन दिकॉज द राइजिंग

अगर आपको आई में कोई भी दिक्कत आता है तो आई डू हैव एक्सपर्टीज इन इंटरनेशनल रिलेशन यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन दिस नंबर नाउ कमिंग बैक टू असियान ठीक है तो द मोटो ऑफ असियान इज एक्चुअली वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी ठीक है दिस इज द मोटो ऑफ असियन ठीक है असियान का सेक्रेटेरिएट कहा लोकेटेड है इंडोनेशिया जकाटा ठीक है असियान वॉज एस्टैब्लिश इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन विद द बैंकॉक डिक्लेरेशन प्रिलिम्स के पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा डिविडेंड देने वाले फाउंडिंग फादर्स कौन कौन थे इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड डन दीज आर दी फाउंडिंग फादर्स तो अभी असियान का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है कि इसके अंदर बॉडीज क्या क्या है तो जो इसका सबसे ऊपर आता है चेयरमैन दिस रोटेट्स एनुअली एज पर इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर्स ठीक है

तो चार काउंसिल्स होती है इसकी या चार मिनिस्टीरियल बॉडीज होती है टू सपोर्ट द समिट एंड फर्स्ट इज आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल सेकंड इज असियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल एंड थर्ड इज असियान इकोनॉमिक Community Council and fourth is ASEAN socio Cultural Community Council ठीक है तो ये चार hai jahan पे ये important jahan pe ये मीटिंग्स uh, होती है कम्युनिटी काउंसिल्स होते हैं ठीक है एंड नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्रुपिंग इज दैट अगर आप इसका इकोनॉमिक प्रेजेंस देखो तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन वर्ल्ड एंड इट्स अ लार्जर देन यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स एंड इट्स एक्चुअली द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया ठीक है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यहाँ पे जो साइन हुए हैं आसियान के तो आसियान चाइना आसियान जापान आसियान साउथ कोरिया आशियान इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन सब कंट्रीज के साथ एफ टी ए साइन हो चुके हैं एंड आसियान इज द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबली ठीक है तो रीजनल सिक्योरिटी में इफ यू टॉक अबाउट द रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस तो आसियान साउथ ईस्ट एशिया के जो वैल्यूज हैं या डाइवर्स कॉम्प्लेक्शन है जितनी भी डाइवर्सिटी है साउथ ईस्ट एशिया में वो आप देख ही सकते हो कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है तो उसी हिसाब से दिस हैज दिस रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी पैराडाइम आल्सो एस्टैब्लिश्ड और 2017 हजार सत्रह में दो हजार में देर, दो हजार फिफ्टीर्स कंप्लीट हो गई किसके इसकीर हाउ एवर दंस एंड चैलेंजेस जो हमने अभी तक देखे आसियान uh, में तो वही याद रखने हैं जो इस एडिटोरियल में लिखे हुए थे हाँ देर आर सम अदर लाइक साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हमने देख लिया हमने ये भी देखा दैट हाउ इज ड्रग ट्रैफिकिंग इज देयर तो जो इस एडिटोरियल में लिखे हुए थे चैलेंजेस वही चैलेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप कन्वेंशनल चैलेंजेस लिखो ठीक है गोल्डन ट्रायंगल ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री आती है डन तो यू हैव वन असाइनमेंट दैट इज दिस बी द क्वेश्चन लुक East Policy to Act East Policy of India has a major role, has a major role to play in India. ASEAN relations. Take Analyze the statement. In the context of current challenges in Indo फिक रीजन ठीक है यह होगा है ठीक है आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए और मुझे सेंड कीजिए नाइन जीरो थ्री वन जीरो थ्री सिक्स सेवन वन टू व्हाट्सएप और आपको इस क्वेश्चन का पूरा आंसर और उसका Uh, जो जो इसका आंसर लिख के भेजेगा उसको इसका मॉडल आंसर भी मिल जाएगा और इसके ऊपर उसको ये जो आंसर होगा वो वैल्युएट होके भी वापस मिल जाएगा ठीक है एंड तो यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है दैट इज बाय द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड कमल किशोर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो दोनों जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पोजिशन पे हैं नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है फर्स्ट इज दिस ठीक है

इसके स्टैटिक में आपको अगर कुछ पढ़ना है तो एनडीए में पढ़ना है बस और उसकी गाइडलाइंस पढ़नी है उसके बाद जितना भी इसमें क्वेश्चन आएगा वो सारा करंट बेस्ड होगा तो इसके क्वेश्चन में जो जीएस थ्री में क्वेश्चन आएगा या डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि हीट वेव्स के रीजन क्या है क्लाइमेट चेंज में या हीट वेव्स अभी किस रीजन में आई थी कहाँ पे क्लाइमेट इमरजेंसी लॉन्च की गई थी तो वो तो प्रॉब्लम्स का पार्ट है तो वो भी करंट से ही निकलेगा और मेंस का क्वेश्चन अगर होगा तो आपको बस 20 परसेंट स्ट्रैटिक लिखना है आंसर में और 80 परसेंट आपको करंट अफेयर्स लिखना है ठीक है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ऐसे एडिटोरियल्स को ध्यान में रखो और इनमें पढ़ना क्या है वो बात अलग है तो फर्स्ट इज दिस जो हमारा इंट्रोडक्शन बन जाएगा सीधे का सीधा इंट्रोडक्शन है हमारा सेकेंड इज सिंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अब ये फ्रेमवर्क क्या है कैसे काम करता है वो बात अलग है वो हम बताएंगे आपको अभी रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप जो पहली बार बनाया है और किसने बनाया इंडिया ने बनाया है एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इज जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी ग्लोबलेशन दिसंट वी शुड रिमेम्बर इट कम्स टू जी ट्वेंटी हम ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं विदाउट एनी चूक के इसके अपने मार्क्स मिल जाएंगे आराम से मिल जाएंगे सो नाउ एजमन वर्ल्ड स्ट्रॉगली लिंक टू इकोनॉमिक डिसीजन जी ट्वेंटी इज अक

हाउ मच इम्पोर्टेंट आर दे तो आप ये एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख लो कि दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम हेल्प अस इन मिनिमाइजिंग नॉट ओनली मिनिमाइजिंग ऑनलीविंग जीरो इवेंट ऑफ साइक्लोन बेपरजॉय ठीक है साइक्लोन बेपरजॉय कहाँ आया था गुजरात राजस्थान एरिया में ठीक है तो इसको याद रखना जरूरी है कि कहा आया था देन कम्स यू सेक्रेटरी जनरल्स अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशियटिव ये भी याद रखना है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल ने लॉन्च किया है अब ये किस लिए है जस्ट टू सीक एंड क्रिएट यूनिवर्सलियाड एंड नाइनटीन द कोलेन ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिलियर ठीक है सी डी आर आई दो हजार उन्नीस में हमने लॉन्च किया था अब ये क्या चीज है

सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चरल रेजिलियंस के लिए दर टॉकउट दी सी डी आर आई ठीक है जो यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया था इंडिया के साथ मिलकर ठीक है तो दिस इज वन मोर थिंग इन दी डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड देर शुड बी देर इज दिस सजेशन ठीक है जो हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में That is there should be a global methodology set for uh, inspecting and checking the basic parameters of infrastructural resilience. the basic principles set on how much uh, resilient an infrastructure should be. Finally, there is a demand ki kya karna we should develop a new approach to financing the disaster risk reduction. ठीक है तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के प्लान्स जो है उनको फाइनेंस करने के लिए नया एक अप्रोच होना चाहिए ठीक है एंड दिस अप्रोच शुड बी करंट फंडिंग डेफिसिट फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज टू लार्ज बहुत कम पैसा जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में देन जी ट्वेंटी नेशन लाइक इंडोनेशिया एंड इंडिया मैट्रिक्स To allocate resources at the subnational and local levels for disaster risk reductions <laughs> national disaster risk fund or state disaster risk fund or the forces and the ndma and the SDma guidelines are there in India also and in other countries uh, somehow relevant to that also plus the authors at the end talks about talk about the uh, building on these areas of work and scaling up the ecosystem.

कि ट्राइका क्या होता है वट इज ट्रॉ ठीक है इफ यू रिमेंबर इट गुड इफ यू डू नॉट जस्ट हैव अ सर्च अबाउट इट डन तो वी विल सी अबाउट देंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ठीक है कब साइन हुआ था 2015 से और 2030 तक ये चलेगा ठीक है तो इट वाज इन द थर्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन सेंडाई जापान जहां पे ये साइन हुआ था एंड दिस इज रिजल्ट ऑफ द स्टेक होल्डर डिस्कशन एंड एक्चुअल में यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है जहां पे ये लास्ट में विच हैज रिक्वेस्टेड यू फॉर सच फ्रेमवर्क ठीक है और ये जो फ्रेमवर्क है ठीक है दिस इज द फर्स्ट मेजर अग्रीमेंट फॉर द ऑफ द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा टू क्लियर द स्टेप्स ऑफ मेंबर स्टेट्स टू प्रिजर्व डेवलपमेंटल बेनिफिट्स फ्रॉम डिजास्टर दिस इज फर्स्ट मेजर अग्रीमेंट अबाउट डिजास्टर डिजास्टर रिडक्शन ठीक है

ग्लोबल टारगेट्स ठीक है ऑल दो नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट वी शुड रिमेंबर की पैरामीटर्स क्या क्या है ठीक है मोर्टैलिटी रेट को कम करना है ठीक है अब कितना कम करना है वो बहुत ही ज्यादा है ठीक है वो नंबर्स हमें याद नहीं रहेंगे uh, एक लाख लेके आना है मोर्टेलिटी रेट को ठीक है और उसके बाद हमें वी शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल वर्ल्ड वाइड ठीक है तो वो सब चीजें हैं बट हम बस उतना याद रखेंगे जितना हमारे याद रह सकता है ठीक है सेकेंड इज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड ये भी कितना होना चाहिए एक लाख होना चाहिए कब से 2005 से 2015 तक ये 2015 20 से लेके 30 तक ठीक है एंड वी शुड ऑल्सो मिनिमाइज द ग्लोबल जी डी पी लॉसेज ठीक है इनको डिक्रीज करना है

Are there in place at national and local levels? Okay. And then comes the next that is the international cooperation. And the last one is availability of early warning systems. Early warning systems. होने चाहिए और मल्टी सिनारियोज़ ठीक है तो दैट इज फ्रेमवर्क और इसके जो प्रायोरिटी एरियाज है डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस एंड रेजिलियंस इन डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देर इज बैक बेटर मोटो एंड स्ट्रैटेजी

रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप जो पहला ऐसा वर्किंग ग्रुप है जो बनाया है इंडिया ने कहा जी ट्वेंटी में ठीक है तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमें इसको समझना चाहिए दैट uh, इंडिया ने मतलब दिस इज द फर्स्ट जी ट्वेंटी फर्स्ट सच इनिशिएटिव ठीक है एंड दैट टू टेकन बाई इंडिया तो द स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हम यहाँ पे देखेंगे बस ठीक है तो ये क्या करता है ये गवर्नमेंट्स को बोलता है जितने भी जी ट्वेंटी हैं, उनकी गवर्नमेंट्स को बोलता है दैट आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग हो ठीक है ठीक है एंड दिस एम्फेसाइज ऑन न्यू एज सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स लाइक यू शुड इन्वेस्ट इन लोकल रिस्क रेजिलियंस ठीक है और इसके जो फाइव प्रायोरिटीज है वो याद रखनी है फर्स्ट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम सेकेंड इज डिजास्टर रेजिलियट इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा है हमारा नेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हर एक कंट्री नेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जो है उसको स्ट्रेंथन करेगी एंड फोर्थ इज national and global disaster response system. And the fifth one is the increased application of ecosystems based approach to DRR disaster risk reduction. Take care. Uh, this Also intends to include the considerations for Sendai Frameworks mid-term review ठीक है तो इस चीज को भी consider किया गया था जैसा हमने देखा कहां पे mid -term review में जब अभी मिड टर्म रिव्यू हुआ है उसी मिड टर्म रिव्यू के बेसिस पे ये आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल में या इस मिड टर्म में मिड टर्म रिव्यू में अगर आप यहाँ पे देखो तो इस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप को भी डिस्कस किया गया है

जा रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे टेक्निकलिटीज में ठीक है कि एनएफएचएस एफ एच एस वन एन टू एन थ्री और एनएफएचएस एफ फोर इनके डेटा में क्या रिलेवेंस था तो इट सेज दैट देर आर वेरी लेस एंड देर इज वेरी लाइक अगर आप देखो तो जेनरिक कॉन्क्लूजन है ठीक है वेरी वेग कॉन्क्लूजन है जब आप एस्टिमेट्स की बात करते हो ठीक है तो द डेट ऑफ एन एफ एंड फोर हैज क्लोजली रिलेज

ठीक है कि इसमें आ, कहां पे और क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विसेज में कमिंग मूविंग फॉरवर्ड टू आर डिस्कशन इन आर डिस्कशन ठीक है वट डज इंडिया फर्स्ट गिग वर्कर्स राइट बिल स्टिपुलेट तो जो हमने सबसे पहले एक हेडलाइन देखी थी स्टेट की न्यूज में और उस हेडलाइन को अगर आप देखो ठीक है तो उस हेडलाइन में ये लिखा था दैट इज

एंड दिस बिल इज आउटलाइनिंग द वेलफेयर स्कीम्स फॉर थ्री लैक वर्कर्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ठीक है अब हमें इस आर्टिकल से बस वो पॉइंट्स उठाने हैं जो हमारे मेंस के आंसर में काम आ सकते हैं ठीक है क्योंकि ये बिल है पास होगा राजस्थान गवर्नमेंट में होगा उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं बन रहा है बट अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इस बिल के दो तीन प्रोविजन इम्पोर्टेंट है बस ठीक है, जैसे ये बिल अप्लाइज टू ऑल एंड प्राइमरी दोनों को जैसे एमेजोन और एमेजॉन का प्लेटफॉर्म है दो अलग अलग चीजें हैं जहां पे ये काम करते हैं प्लस अगर आपको ऐसे नहीं समझ आएगा तो देर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज अपर्क और फाइवर ठीक है प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क और फाइवर ठीक है ये बस प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे जो प्राइमरी एम्प्लॉयर आता है एक बंदा जिसको काम कराना है वो भी यहाँ पे रजिस्टर करता है और जिस बंदे को काम चाहिए फ्रीलांस चाहिए है ना उसको कंसल्टेशन का सर्विस चाहिए उसको सर्विस uh, चाहिए बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डेटा उसको डेटा एनालिटिक्स चाहिए तो जितना भी वो काम हो वो फ्रीलांसिंग का काम हो वो गिग वर्कर में आएगा तो ये हो गया एडिशनल इंटरमीडिएट ये हो गया प्राइमरी एम्प्लॉयर एंड दिस इज द वर्कर ठीक है और द प्राइमरी वर्कर हेयर ठीक है तो देर इज दीज प्लेटफॉर्म और ये बिल तीनों पे अप्लाई होगा ठीक है दिस बिल अ वेलफेयर बोर्ड जिसमें स्टेट ऑफिशियल्स होंगे रिप्रेजेंटेटिव होंगे एग्रीगेटर्स के गिग वर्कर्स के और सिविल सोसाइटी के भी लोग इसमें होंगे ठीक है कितने लोग होंगे क्या नंबर होगा वो जरूरी नहीं है बट रिप्रेजेंटेशन हर हर सेक्शन से होगा दिस वेलफेयर फंड गारंटीज अ सोशल सिक्योरिटी टू दीज वर्कर्स और ये एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा और उस आईडी के बेसिस पे इनको आ, जो है वेलफेयर मेजर्स लिए जाएंगे के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बनाए जाएंगे अब इसमें क्या होगा इसको फंड करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे इंडिविजुअल वर्कर्स स्टेट गवर्नमेंट एंड देर विल बी ऑल्सो समेर जाएगा जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन इस फंड में जाएगा डन आर दिग वर्कर्स एम्प्लॉय प्लस द प्रोविजन इन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल विच वॉज पास इन ट्वेंटी ट्वेंटी एट द नेशनल लेवल सीज दैट ठीक है दिस वर्कर इज ऑनली दैट पर्सन ठीक है जिसका uh, जो एम्प्लॉयमेंट है

एंड एजुकेशन ठीक है अब इसमें अदर बेनिफिट लिखा हुआ है उसकी बेसिस पे ये लोग uh, हैं इस बिल को देर इज कंटेंशन ऑन द प्रोविजन ऑफ अदर बेनिट्स ऑल्सो वॉट अब वर्कर्स तो अगर वर्कर को कोई भी ग्रीवान्स होता है तो वो पहले उस अपनी uh, uh, जो एम्प्लॉयर है उससे बात करता है इफ नॉट देयर देन ही इज एंड टाइटल्ड फॉर पेमेंट एंड बेनिफिट अंडर दैट इज सोशल सिक्योरिटी एक्ट प्लस देर इज समिंग कॉल्ड एज एपलेट बॉडी एंड अपिलेट अथॉरिटी जिसके पास वो नाइन्टी डेज के बाद अपील डाल सकता है फॉर आर्बिट्रेशन एंड अदर परपजेज दैट इज समिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स नाउ हमें क्या देखना है हमें ये देखना है दैट की वट इज गिग इकोनॉमी और इंडिया का क्या रोल है गिग इकोनॉमी को लेके और इंडिया में गिग इकोनॉमी किस लेवल पे है अभी ठीक है वट इज गिग इकोनॉमिक्स इट्स द फ्री मार्केट सिस्टम फॉर जॉब्स ठीक है फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट तो अभी जो है इंडिया का 15 मिलियन वर्कर्स जिसमें से तीन मिलियन क्लेम कर रहे राजस्थान गवर्नमेंट तीन मिलियन वर्कर्स कहां पे है राजस्थान में Take so more than 15 million workers are there in India who are working as software engineers, service providers, or professional service providers, and they are working as gig employees or they are working as uh, gigs. They are taking the gigs. Take it. Uh, and uh, India is currently the fifth largest in flexi staffing globally. Take and the potential of a gig economy is about that it can provide. फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ठीक है इन ब्लू कॉलर एंड ब्लू एंड वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है तो गे इकोनॉमी इज एक्चुअली प्रवेलेंट इन ब्लू कॉलर जॉब्स इन इंडिया तो देर आर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसल्टेंट सेल्स पीपल वेब डिजाइनर्स कॉन्टेंट राइटर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो यहां पर काम करते हैं तो गिग इकोनॉमी कैन सर्व अराउंड 90 मिलियन जॉब्स इन नॉन फार्म सेक्टर इन इंडिया एंड इट कैन एड वन पॉइंट टू फाइव परसेंट टू नेशनल जी डी पी ऐसे पॉइंट्स आप याद रखो और ऐसे पॉइंट्स को अपने एग्जाम में लिखो ठीक है

White collar job is salary based professional. And it refers to general office or work management or management work. Then comes the gold collar jobs. Gold collar jobs are highly skilled, like lawyer, doctor or scientist research. Then comes the gray color jobs. They are, uh, they refer to the balance of employed, they refer to the balance of employed people not classified as white or blue, but these are like firefighters, you know, police, healthcare professions. And uh, these people work beyond their age of ठीक ठीक है है एनवायरमेंटल सेक्टर एंड कॉलर जॉब्स आपने पढ़ा होगा कंसिडर्ड फॉर वुमेन्स एंड लो पेड ठीक है और इसके साथ साथ चलो आप खत्म ही कर लेते हैं स्कारलेट कॉलर स्कारलेट कॉलर आर फॉर पोर्नोग्राफी एंड दी इंटरनेट पोर्नोग्राफी ठीक है रेड कॉलर गवर्नमेंट एम्प्लॉज गवर्नमेंट वर्कर्स ठीक है देन इज ओपन कॉलर ठीक है स्पेशली वर्कर्स वर्क फ्रॉम होम एस्पेशली वाया इंटरनेट जैसे हम करते हैं ठीक है तो हो लेट्स मूव फॉरवर्ड ठीक है इन आवर नेक्स्ट न्यूज़ नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट व्हाट ओके स्लेक्ड लाइम और स्लैक्ट लाइम व्हिच इज फाउंड इन पान तो जो पान खाते हैं वहां पे एक इशू होता है कि वहां पे उस पान में चूना लगाया जाता है ठीक है ये वो वाला चूना नहीं है जो लगाया जाता है बट ये वो वाला चूना है जो पान में डलता है ठीक है एंड दिस चूना अगर ये आपकी आंख में चला जाए या बच्चे की आंख में चला जाए तो ये इंजरी करता है और कैसी इंजरी करता है ये इंजरी करता है एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे देखो तो दीज इंजरीज आर कॉज टू आई ठीक है और कैसे होता है ये ये होता है दिस अफेक्ट्स एंड दिस डैमेज दि कॉर्निया और कैसे डैमेज करता है कॉर्निया को बिकॉज देर आर स्टेम सेल्स जो कॉर्निया को वापस ठीक कर सकते थे बट इट ऑलरेडी इट डायरेक्टली डेमेज ठीक है? कॉर्नियल लिम्बस, कॉर्नियल लिम्बस को अटैक करेगा तो उसके बाद कॉर्निया जो है रेप्लिनिश नहीं हो पाएगा और वो इंजरी जो है वो परमानेंट हो जाएगी और वो रिपेयर नहीं हो पाएगी अब ये जो केमिकल आता है ना न्यूज में अगर आप देखो ठीक है तो पिछली बार भी यूपीएससी ने तीन केमिकल्स पूछे एक दो और तीन ठीक है तीन केमिकल्स के बाद लिखा ये केमिकल्स कहां पाए जाते हैं ठीक है और नीचे लिखा था टॉयलेटरीज ठीक है लाइक देर वर टू थ्री थिंग्स फूड और चार ऑप्शन थे कि किस में पाए जाते हैं एंड थ्री केमिकल्स वेट देर तो दैट इज हाउ यूपीएससी फ्रेम्स क्वेश्चन लाइक दैट ठीक है अबाउट दिज केमिकल्स और अगर इस केमिकल पे इतना बड़ा आर्टिकल आया है तो एटलीस्ट यू हैव टू कीप दिस ऑन माइंड कि ये हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स टॉयलेट क्लीनर्स एसिड्स फायर वर्कर्स एंड सुपर ग्लूस में पाए जाते हैं क्या चूना और दिस केमिकल विच स्लेक्ट लाइम जिसको बोलते हैं ठीक है एंड हाउ टू प्रिवेंट ठीक है अगर इंजरी हुई तो क्या करना चाहिए तो सबसे पहले तो इसको बच्चों से दूर रखो आई ग्लासेस पहनो जो पैकेट्स होते हैं उनकी उनके ऊपर सील लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है वो पैकेट बंद है नहीं है उसको देख लो फायर क्रैकर से दूर रहो एंड इफ स्टिल यू गेट इट इन टू आई तो आप अपनी आँख को तुरंत धो और उसको साफ़ करो और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चले जाओ मेरा देश और ये कैंपेन यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है कि हर जगह से हर पंचायत से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाई जाएगी और वो जो हमारा कर्तव्य पथ है वहां पे एक गार्डन बनाया जाएगा उस सारी मिट्टी को कलेक्ट करने के बाद ठीक है प्लस वहाँ पे एक शीला फलकम और शीला फलकम जिसको मेमोरियल प्लेक भी बोलते हैं वो इंस्टॉल किया जाएगा जिसपे नाम लिखे जाएंगे उनके जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो डिफेंस पर्सनल थे उनका नाम लिखा जाएगा वहां पे उस शीला फलकम पे ठीक है एंड इस को याद रखो इस कैंपियन को आपके काम आ जाएगी स्टेट पी और एस एस वगैरह वगैरह में आपके काम आ जाएगी देन uh, नया कंट्रोलन है। आप uh, कैसे चेक करते हो जब कोई भी pathogen, ठीक है? कोई भी पैथोजन वायरस अगर ह्यूमंस को अटैक करता है या कोई डिजीज लेके आता है जिसके रिलेटेड वो डिजीज होती है अब उस डिजीज को प्रिवेंशन के लिए अगर कोई दवा बनती है तो उस दवा को या उस पैथोजन को पहले हम चेक करते थे या टेस्ट करते हैं किस पे रैट्स पे ठीक है या अगर हम कोई दवा भी बनाते हैं ठीक है अगर हम कोई दवा भी बनाते हैं तो उसको चेक करते हैं किन पे जो ऑलरेडी इंफेक्टेड लोग होते हैं ठीक है या इन्फेक्टेड हम इंफेक्शन रैट्स को करते हैं और उसके बाद उनपे चेक करते हैं वो दवा चली या नहीं हाव एवर यहाँ पे एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मेजोरिटी ऑफ द मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट कर चुकी है बट इंडिया में ये अभी तक नहीं है बिकॉज ऑफ द टर्म बायो ठीक है इज और क्यों नहीं है बिकॉज दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस टू हेल्दी ह्यूम ठीक है हाउ इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट कुछ ह्यूमंस को लिया जाएगा उनपे कुछ पैथोजेंस uh, को uh, उनके साथ uh, लाइक इंटरेक्शन कराया जाएगा मतलब चाहे वो थ्रू नोज uh, हो थ्रू माउथ हो वो उनके खाने में हो या कैसे भी करके उनको उनके साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा थ्रू एयर बॉर्न और थ्रू वाटर बॉर्न जितने भी होते हैं और थ्रू मस्किटो बॉर्न जैसे अगर आप यहाँ पे डेंगू का केस लो तो एक ऐसा हेल्दी ह्यूमन uh, uh, होगा जिस जिसको ये मच्छर काटेगा तो इस मच्छर को काटने के बाद क्या क्या, क्या चेंजेस uh, आती है कैसे चेंज आती है उस ह्यूमन में और उसको कब क्या दवा देनी चाहिए जिससे वो सर्वाइव भी करे ठीक भी हो जाए उसकी इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी डेंगू uh, के अगेंस्ट में प्लेटलेट्स कैसे कंट्रोल में किए जाएंगे तो दिस ऑल विल बी डन इन कंट्रोल एनवायरमेंट बट द इश्यू हेयर इज इज इट जेन्युइन और इज इट एथिकल टू लेट हेल्दी पीपल गो एंड हैव दिस एक्सपोज दम टू

राइट कमेंट्स अबाउट दैट और इसके ऊपर अब कल से आर्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे तो वी विल रीड अबाउट इट वट आर द इशूज वट आर द चैलेंजेस इन दिस क्या क्या इशूज हो सकते हैं एथिकल इशू क्या है क्या ये इज इट सिमिलर टू दैट यूथनेशिया और और द विल विच इज बींग वो जो विल उस टाइम पे लिखी जाती है उस पेशेंट के द्वारा जो पेशेंट उस टाइम पे यूथनेशिया और पैसो यूथनेशिया के लिए मांग रहा होता है मर्सी किलिंग के लिए बोल रहा होता है रिक्वेस्ट कर रहा होता है या ये विल या ये जो एग्रीमेंट लिखा जाएगा इस हेल्दी ह्यूमन और उस बॉडी के बीच में जो उस पर ट्रायल्स करना चाहती है हाउ विल इट बी टेस्टेड ये वॉलेंट्री होगा ये इनवॉलेंट्री होगा क्या ये सही में होगा और अगर ये चीज़ अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये गरीब लोगों को बोलेंगे कि हाँ आप आ जाओ यू आर हेल्थी ट्राई यू एंड वी विल पे यू जस्ट टू मेक श्योर कि उनके पास जो ह्यूमंस है या जो सब्जेक्ट्स है वो उनके पास ज्यादा आ जाएंगे और उनसे वो दवाइयां बनाना जल्दी करेंगे उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट तेज हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट तेज होगा तो उसी से उनके पास ये चीज आएगी कि वो पेटेंट के लिए जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और पेटेंट उनने करा लिया तो उनकी दवाइयां बिकेंगी वो प्रॉफिट्स कमाएंगे लीप्स एंड बाउंड्स में दैट इज समथिंग विच टू बी डिस्कस्ड ठीक है तो इस पेपर में बहुत सारे इश्यूज आएंगे अभी आगे इस चीज पे आर्टिकल्स आएंगे अगले दो तीन दिन में डोंट वरी अबाउट दैट वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट सून ठीक है चलो तो अभी एक टर्म आया है टी प्लस टेन एन टी प्लस वन ठीक है अब ये क्या है ये हमारा लास्ट न्यूज है और इसके बाद डिस्कशन ओवर व्हाट इज टी प्लस वन एन टी प्लस टेन टी प्लस टेन तो स्टॉक एक्सचेंज में ठीक है अगर किसी के शेयर पड़े हुए हैं और मुझे ये शेयर खरीदने हैं ठीक है थीके? मुझे ये शेयर खरीदने हैं तो आई एल प्लेस एन ऑर्डर फॉर दी शेयर ठीक है और ये शेयर मुझे एलोकेट हो जाएंगे और फिर पेमेंट का मसला आएगा ठीक है शेयर मेरे पास आ गए और फिर मैं पेमेंट करूंगा ठीक है और पेमेंट होगा पेमेंट या शेयर ठीक है ऐसे करते आ, पेमेंट जाएगा इधर और शेयर जाएगा इधर ठीक है डन अब ये शेयर पेमेंट ऑर्डर इस सबको लगता है टाइम ऑफ जब तक ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है उस ट्रांजेक्शन टाइम को पहले लगता था दस दिन ठीक है पहले लगता था दस दिन इसलिए उसको बोलते थे प्लस 10. फिर धीरे धीरे कम करते करते दो हजार तेईस आते आते दो हजार तेईस जनवरी में वी सेटल्ड ऑन टी प्लस वन ठीक है तो इट वाज टी प्लस टेन टी प्लस टू टी प्लस थ्री टी प्लस टू टी प्लस वन ठीक है तो दिस टू वे प्रोसेस ऑफ परचेज सिक्योरिटीज एंड डिलीवरी टू बायर एंड देन रिसीविंग द कैश ऑल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन जो होता थी है इस चीज को बोलते हैं कि जो टी होता है दिस टी इज ट्रांजेक्शन डेट एंड दिस इज द नंबर ऑफ डेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ठीक है तो 2023 जनवरी से हमने स्टार्ट किया क्या दैट वी विल सेटल ऑन टी प्लस वन सेटलमेंट बेसिस ठीक है एंड इंडिया इज द ओनली सेकंड कंट्री इन वर्ल्ड ठीक है जो क्या कर रही है अभी जहां पे टी प्लस वन सेटलमेंट सिस्टम है दैट इज रेट प्लस वन सेटलमेंट साइकिल है एंड दिस हैज बीन देयर सिंस जनवरी ट्वेंटी सेवन जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री सबसे पहली कंट्री कौन सी है चाइना चाइना के बाद आएगी इंडिया ठीक है एंड इज द ओनली सेकंड कंट्री टू बाद क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसके बाद डेवलपमेंट ये है दैट आज सेबी की चीफ एंड शी हैज अबाउट दिस कि जैसे यूपीआई फैसिलिटी रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजेक्शन को इफेक्ट देती है वैसे ही वी विल ऑल्सो ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी स्टैक एंड दिस स्टैक विल हेल्प इन इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड दिस विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ठीक है तो 2023 के एंड तक देर विल बी टी ओनली नॉट टी प्लस वन ठीक है तो जिस दिन ट्रांजेक्शन जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन उसी दिन ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो मे बी दैट विल बी कॉल टी प्लस जीरो और टी ओनली ठीक है तो फिर जो ये सेटलमेंट सिस्टम होगा ये बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगा आर आर चैलेंजेस रिस्क एंड दी सिस्टम फेलियर्स और कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया ठीक है स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल रहा है तो सच इश्यूज माइट बी दे टेक्नोलॉजिकल इशूज बट द थिंग इज कि यस वी आर ग्रोइंग ऑन दैट थिंग और इस चीज को क्लियर करना जरूरी था वट इज टी प्लस टेन एंड वॉट इज टी प्लस वन एंड हेयर वी आर डन विद डिस्कशन अगर आपके कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरीज हो कोई भी इशूज हो रिलेटेड टू डिस्कशन और यू वॉन्ट सजेस्ट अस एनी थिंग अबाउट दिन अबाउट द प्रोग्राम समर्पण समर्पण जो कि एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है ठीक है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर प्रिलिम्स एंड मेन्स बोथ जिसमें मोर देन वन फिफ्टी टेस्ट आर देयर ठीक है जिसमें प्रिलिम्स का टेस्ट होगा ईच टेस्ट मोर देन वन फिफ्टी टेस्ट जो है हर टेस्ट में दो सेक्शन होंगे जिसमें फिफ्टी एम सी क्यूज होंगे और टेन मेन्स के आंसर्स होंगे प्लस देयर विल बी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑल्सो जिसमें हंड्रेड एम सी क्यूज होंगे और इसमें ट्वेंटी मेन्स के क्वेश्चन होंगे ठीक है दिसकेंड फेज एंड देर बी थर्ड फेज ऑल्सोलटायरली फोकस्ड ऑन ऑनली और उसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलेगा ठीक है एवरी सेक्शन का दिस प्रोग्राम इज टोटली हैंड होल्डेड विद पर्सनल में

करोलबाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर एट थैंक यू वंस अगेन जय हिंद जय भारत